जॉइंट टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी फिजिकल के बारे में। आज से आप लोग का डेली रूटीन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मॉर्निंग में कब दौड़ना है, इवनिंग में कितना दौड़ना है, मॉर्निंग में कितना दौड़ना है, कितना नहीं दौड़ना है, तो अभी आप ध्यान सुनिएगा। पहले दो चार हम कमेंट पढ़ लेते हैं। एक सरोज कुमार का है कमेंट, सांस फूल रहा है क्या करूँ। भाई अगर सांस फूल रहा है ना तो फूलने दो उसको, सन में आया ना, 10 दिन बचा है, सांस फूलेगा, पैर दर्द करेगा, उड़ा पूरा दुनिया भरेगा ना, बहुत स्कूल जाएगा, सन में आया ना। हाँ लेकिन मैं बता देता हूँ, तो पर भी आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा फूल रहा है खजूर खाइए आप, खजूर दिन में 4 ठो और शाम को 3 ठो, 7 के ऊपर नहीं खाना है खजूर, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, बहुत बेनिफिट होता है, तो ज़्यादा खाओगे दिक्कत कर सकते हैं, ज़्यादा ताकत हो जाएगी फ्रेंड, इसलिए 4 ठो सुबह, 3 ठो शाम को, और दूध में उबाल के खाओ आप उसको, ओके, तो सांस नहीं फूलेगा और एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है खजूर। तो सांस जिसका जिनका सांस फूलता है, एनर्जी चाहिए उनको, सांस और एनर्जी दोनों काम करेगा, बहुत काम करता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि इसमें ये मात्रा है वो मात्रा बताओ, दुनिया भर का आपको क्वालिफाई कराना है, आपको क्वालिफाई करना है फिजिकल, तो मेन मेन बातें बता रहा हूँ, टाइम इतना नहीं मेरे पास ना आपके पास इतना टाइम है। तो खजूर खाओ 4 ठो सुबह, 3 ठो शाम को, वो भी दूध में उबाल के रनिंग के बाद। और एक लोग का कमेंट है कि सांस फूल, इनका भी वही सांस वाला हाल है। और एक रोड रनिंग, योगेंद्र यादव बोल रहे हैं, भाई रोड पर आराम से 2 किलोमीटर रनिंग कर सकते हो। हाँ कर सकते हो अगर जिनका पेन नहीं हो रहा है। मैं खुद 5-5 किलोमीटर दौड़ता जब मेरा वो BSF ट्रेडमैन का फिजिकल था, 1 अगस्त को हरियाणा में मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मैं 5 किलोमीटर का था, मैं 10-10 किलोमीटर दौड़ता था, रोड रनिंग करता था, मेरा आज तक पेन नहीं है। पता नहीं कौन बोलता है कि रोड रनिंग से पेन होता है, पेन होता है, यदि स्टार्टिंग होता है, अगर आपका नहीं हो रहा तो बड़ी बात है, मेरा भी नहीं होता था, मेरा आज तक रोड रनिंग नहीं हुआ पेन, बहुत लोग का होता है, बहुत लोग का नहीं होता है, तो आप रोड रनिंग कर सकते हो डेली, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लोग बोल रहे हैं, भाई मेरा 6 मिनट में आ रहा है, ये कोई प्रिंस करके हैं, 6 मिनट में आ रहा है, तो उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है इनके बाद, 1100 मीटर जाने के बाद इनसे उठा नहीं जा रहा है, वो 6 मिनट में जा रहे हैं। भाई उठा तो मुझसे भी नहीं जा रहा था स्टार्टिंग में, आपको करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा। एक लोग बोल रहे हैं रवि रंजन, ये बोल रहे हैं कि मेरा 4:22 आ रहा है टाइम, 15 सेकेंड कम करने में कितना दिन आप कैसे करें। तो भाई 15 सेकेंड बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है, बहुत नॉर्मल बात है, बहुत अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट है। आप वीडियो देखिएगा, इसको कैसे फॉलो करना है मैं बताऊंगा, आपका हो जाएगा, आप 4 सेकेंड में 4 मिनट में मार दोगे। और एक लोग बोल रहे हैं लाइफ ऑफ रेलवे, ये बोल रहे हैं रनिंग कैसे करना है, मतलब स्लो फास्ट या फिर कितना कैसे करना है। भाई रनिंग स्टार्टिंग में स्लो मोशन, मैंने जो बताया ना मॉर्निंग में, आपको पेस रनिंग करना है, नॉर्मली रनिंग करना है 3-4 किलोमीटर का, और शाम को फास्ट करना है, ओके। और ऐसे मतलब बहुत लोग का कमेंट है, मैं सबका पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और ये कमेंट कर रहा है कि मार्कोस कमांडो एक है, कोई लड़का है, यूजर है, वो बोला मैं मार्कोस कमांडो जो खुला नहीं पटना में, मार्कोस डिफेंस अकेडमी, मुझे नहीं पता यार, वो खुले हैं वहाँ पे, वो ट्रेनिंग कर रहा है ऑलरेडी, और बोला कि मुझे 2:30 बजे खाना मिल रहा है। भाई अगर ऐसी बात है ना तो मुझे उनका शेड्यूल नहीं पता भाई, ना तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन यही बोलूँगा कि आप देख लो, अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो, अगर आपका टाइमिंग नहीं गिर रहा है तो आप घर पे चले जाओ, अच्छे घर पे डाइट लो और टाइमिंग अच्छे से खाना खाओ, घर से फिजिकल दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं अपने पास कि 2:30 बजे खाना खाओ, क्योंकि वो 1600 मीटर वाला टारगेट करवा रहे होंगे आपका, आपके पास इतना हिम्मत नहीं है कि आप 1600 मीटर रनिंग जो ओपन रैली दौड़ते हो निकाल पाओ आप, समझ में आया ना। और हाँ मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि आपको क्या करना है डेली रूटीन में, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सुबह सुबह आपको, आज 1 जनवरी है ना, आज क्या करना है, आज के बाद से आपको डेली कम से कम 4-5 किलोमीटर, हाँ आपको डेली लॉन्ग रनिंग करना है, रोड पे करो चाहे आप वहाँ पे ग्राउंड पे करो, डजेंट मैटर, बस पैर नहीं दुखना चाहिए, अगर पैर नहीं दुख रहा है तो आप रोड पे कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 10 दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार, आपको सालों भर नहीं दौड़ना रोड पे, तो आपको 4-5 किलोमीटर रनिंग डेली मॉर्निंग करना है। और 4 किलोमीटर रनिंग, 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद क्या करना है, आपको स्प्रिंट लगाना है, मतलब स्ट्राइक लगाना है 100-100 मीटर का 4 ठो डेली, सुबह की बात कर रहा हूँ। और शाम को क्या करना है आपको फ्रेंड, शाम को आपको 1 किलोमीटर टारगेट रख के चलना है डेली, 1 किलोमीटर आपको शाम को आपको मारना है, 500 मीटर जाना है एक पेस रनिंग पे 50-60 के स्पीड में, मतलब आपका एनर्जी 50-60 देना है, उसके बाद आप 700 मीटर पहुंच जाओ तो 80-85 कर दो, और जो 300-200 मीटर बचता है लास्ट का ना 1 किलोमीटर में, उसमें आप फुल एनर्जी दे दो आप। और आपको रियल में दौड़ना कैसे, आपको ध्यान से देखना, जब 100-200 मीटर बचेगा ना, आपको ये मुट्ठी बांध के ऐसे नहीं दौड़ना है, ये बंद करके नहीं दौड़ना है, आपको ये खोल के दौड़ना है, क्योंकि शोल्डर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है,
जब आप रनिंग करोगे ना तो शोल्डर का बहुत फर्क, इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जो एक्चुअल जो 100 मीटर बचता है ना, वो पैर में जो पैर रहता है वो तो साथ देता ही है, अगर शोल्डर सही नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप देखो ऐसे दौड़ रहे हो, ठीक, ऐसे दौड़ रहे हो तो इसका भी फर्क पड़ता है। तो आपको ये लेके जाना है ऐसे ऐसे, ओके फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे मत लेके जाना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको ये ऐसे ऐसे लेके जाना है हाथ, इसमें खुला रहेगा ना तो स्पीड बनता है, बहुत ज़्यादा स्पीड बनता है, तो आप और तेज भागोगे। ये हो गया शाम का रूटीन, तो रनिंग ये समझ में आ गया ना, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, और शाम को स्ट्राइक कितना मारना है, 1 किलोमीटर आप दौड़ लिए फुल स्पीड में, और स्ट्राइक ऐसे मारना है आपको, स्ट्राइक आपको ऐसे मारना है कि 200 का 300 का, जिसको थोड़ा हिम्मत कम है तो 200 का स्ट्राइक मारे, 200 मीटर का कम से कम 3 स्ट्राइक, और जिसको थोड़ा हिम्मत बचाए कि यार मुझे और दौड़ना है, ठीक, उनको 300 मीटर का 400 मीटर का स्ट्राइक आप मारो, और 4-4 स्ट्राइक मारो, डेली मारना है, शाम को भी मारना है, सुबह भी मारना है। लेकिन अब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, सर मेरा वजन ज़्यादा है, मुझे पेन है, सीन पेन है, हील पेन है, जिनको ज़्यादा पेन है वो सुबह स्ट्राइक ना मारो, आप सुबह सिर्फ पेस रनिंग करो 4 किलोमीटर का, भाई कितना करना पड़ेगा। और शाम को क्या करना है, शाम को आपको रनिंग नहीं करना है 1 किलोमीटर, आपको शाम को सिर्फ स्प्रिंट लगाना है, 400 मीटर का स्प्रिंट 3 ठो लगा दो, बस हो गया, आप शाम को मत रनिंग करो, स्प्रिंट तो लगाना पड़ेगा भाई, ओके, समझ में आ गया ना। अब एक्चुअल में आपको रनिंग करना कैसे है, समझ में आ गया ना। बहुत लोग बोलेंगे कि सर शूज नहीं मिल रहा है, क्या करें, जैसे ये देखो सेगा है ये, ठीक, अब बहुत लोग सॉरी गोल्ड स्टार है ये, बहुत लोग गोल्ड स्टार पहन के दौड़ते होंगे। भाई रनिंग में ना जितना हल्का शूज होता है ना उतना ज़्यादा रनिंग बढ़िया बन जाता है, बढ़िया रनिंग बनता भी है स्पीड। ये बहुत वजन है, ये गोल्ड स्टार फ्री मिला है हमको, अगर आप लोग पास को होंगे तो कमेंट करिएगा, आपको दे देंगे। मेरे पास सेगा का 2-3, सेगा भी 2-3 है, गोल्ड स्टार भी 2-3 है, NCC की तरफ से मिला है, 2-3 मिल गया है मुझे, तो ये मैं यूज नहीं करूँगा, मैं दे दूँगा किसी स्टूडेंट को। तो बहुत वजन है एक्चुअली, ये क्वालिफाई नहीं करा पाएगा आपका, सेगा का दो सेगा एक ये बराबर है, और अच्छा सूझ लोगे और हल्का रहेगा, तो आपको दौड़ने में बहुत अच्छा लगेगा। इसका सोल देगा कितना मोटा है, अच्छा तो है लेकिन वजन ज़्यादा है, ऑलरेडी आपका खुद ही वजन ज़्यादा है, तो ये अच्छा नहीं पड़ेगा आपको रनिंग में। और आपको बता दें हम, आपको रनिंग करना कैसे एक्चुअल में, आप ऐसे ऐसे रनिंग करते, बहुत लोग ऐसे से दौड़ते हैं, ये भाई ये क्या है, डांस कर रहे हो क्या, तो इसमें आपको थका देगा बहुत ज़्यादा। आपको रनिंग कैसे करना है एक्चुअल में, ध्यान से देखिएगा, ये रनिंग करना है, ठीक, ऐसे ऐसे, मतलब ये जितना कम काम करे शोल्डर उतना अच्छा रनिंग आपका रहेगा, शोल्डर से हल्का हल्का काम लो सिर्फ, यानी शोल्डर आप ऐसे से कर रहे हो तो थका देगा बहुत जल्दी, आपको थकाएगा। और ये पंजे के बगल गिरो आप, ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे ऐसे दिखा दो थोड़ा नीचे से, कैमरा नीचे करो, ये देख रहे हो ना, ये पंजा ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे ऐसे, क्यों, अगर आप ये ऐसे रखोगे तो जर कहा जाएगा, ये दर्द करेगा, समझ में आ गया ना, अब पेन होगा, सीन पेन भी उभार सकता है, ऐसे ऐसे रखो, आप ऐसे भी रख सकते हो स्टार्टिंग, थोड़ा थोड़ा ऐसे रखना, तो ऐसे रख सकते, ऐसे में आपका स्पीड नहीं बनेगा, फिर ये ऐसे ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, ठीक फ्रेंड्स, ऊपर आ जाओ। तो ये रनिंग का होगा शेड्यूल, और आपको बता दें कैसे क्या करना है, स्प्रिंट लगाना है, अब खजूर खाओ और दूध पियो, और टैबलेट जो बताया था अब टैबलेट लो, ओके फ्रेंड्स। और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और हाँ ये यार 1000 सब्सक्राइब करा दो ना यार फ्रेंड्स, बस नज़दीक है, 50-60 बचे हैं यार, तो जाते थे मैं ही बोलूँगा, 9 वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।